नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में आज नवनियुक्त महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि महिला उत्थान के महिलाओं के विकास के लिए काम करेंगे। महिलाओं की आवाज हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये मेरी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। महिलाओं का अध्यक्ष मुझे बनाया गया तो मेरा पूरा फोकस होगा कि जो महिलाओं को लेकर हम लोग काम कर सके, महिला उत्थान के लिए जो काम कर सके, महिला की जो आवाज़ है वो हर आदमी तक पहुंचा सके, वो मेरी प्राथमिकता है। क्योंकि जो आधी आबादी है वो महिला है और मैं जरूर चाहती हूँ कि महिलाओं को हर जगह प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले और उसके लिए मैं काम करना शुरू करूँगी। उत्तराखंड के कांग्रेस भवन में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि 2022 की शुरुआत में आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। ये उत्तराखंड की भूमि को कुरान और शास्त्रों में देवभूमि कहा गया है। हमारे चार धाम यहाँ पर विराजमान है। ऐसी उत्तराखंड की भूमि को दिल से नमन करता हूँ। कल अमित शाह का दौरा उत्तराखंड में था, लेकिन जनता से डोर टू डोर अभियान के तहत अमित शाह रूबरू हुए, वह भी बिना मास्क के थे। आज मोदी विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ जिससे उत्तराखंड को फख्र महसूस हो। ये कहते हैं एक डबल इंजन की सरकार, पर ये डबल इंजन कैसा है? एक ईस्ट में खींचता है, एक वेस्ट में, एक पूरब एक पश्चिम में खींचता है और बीच में जनता पीसी जाती है। ऐसे ये डबल इंजन है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आप सभी को याद होगा, भाजपा ने बार बार कहा था कि पहाड़ी है, यहाँ के लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए हम एयर एम्बुलेंस सरकार रखेगी और एयर एम्बुलेंस लोगों को अस्पताल तक पहुंचाएगी। आप सभी प्रेस मीडिया के साथियों को याद होगा। अब क्या कहते हैं कि भाजपा की उत्तराखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस के लिए प्रपोजल भेजा, पर भाजपा की भारत सरकार ने एयर एम्बुलेंस की मंजूरी नहीं दी तो एयर एम्बुलेंस नहीं चला। रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि उत्तराखंड में अगर कोई पार्टी अच्छी सरकार दे सकती है तो वह सिर्फ आम आदमी पार्टी ही है, क्योंकि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार दी है ऐसी सरकार देश के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं दी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों ही उत्तराखंड के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। के अंदर 21 वर्षों से कांग्रेस और भाजपा को लोग जिताते रहे, सरकार बनाते रहे, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पिरान कलियर में बार बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ सड़कों की दुर्दशा देख रहा हूँ इससे मुझे अंदाजा चल रहा है कि 10 साल में क्या काम किया हो। तो लोग बदलाव चाहते हैं, उसी परिवर्तन की मसाल को लेकर के पिरान क्लियर में शादाब भाई उतरे। मैं यहाँ के लोगों से एक ही बात कहने आया हूँ कि आप आम आदमी पार्टी का विकल्प चुनिए। दिल्ली में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है आम पब्लिक के लिए, बिजली में, पानी में, स्कूल में, अस्पताल में, पिरान कलियर के भी तकदीर को बदलेंगे। वही बात की जाए जिस तरीके से लालकुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश रावत ने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव या फिर पूरे इलाके को नगर परिषद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आते ही पुलिसकर्मियों के लिए 4600 का ग्रेड पे लागू करने को वचनबद्ध है। उत्तराखंड के भूमि संघर्ष का, भूमिहीनों के संघर्ष का शुरुआत की थी और आज जो भूमि एक उन्नति की, तरक्की की रास्ते पर आगे बढ़ती हुई आकांक्षा को अपने मन में लिए हुए खड़ी है, उस विधानसभा क्षेत्र का मुझे आशीर्वाद मांगने और उसका प्रतिनिधित्व कर सकूं, इसका सौभाग्य दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चुनावी दौर चल रहा है और नेताओं द्वारा आम जनता को लोक लुभावने वादों का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर आमजन की सुनने वाला ना तो कोई अधिकारी है ना ही प्रदेश के नेता। डोईवाला विधानसभा के छदम्मी वाला गांव के ग्रामीण पिछले 5 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्या पर जल निगम के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को गंदा पानी पीकर भुगतना पड़ रहा है। आज से 5 दिन पहले यहाँ पे आकाशीय बिजली गिरी थी। आकाशीय बिजली गिरने के कारण घरों के पंखे मीटर जल गए हैं, ना तो कोई बिजली विभाग वाला देखने के लिए आया यहाँ पे, और पानी तो बिल्कुल नहीं है। सप्लाई दिन भर पानी ऐसे ही बहता रहता है। अगर बिजली का बिल सपोज करो नहीं जाता है तो पेनल्टी भी लगाते हैं बिजली, ये पेयजल विभाग वाले, और परेशान भी करते हैं कि भाई बिल जमा करो नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा।
और ये पानी पूरा दिन पूरी रात सड़क पे खाली बह रहा है और घरों में नलों में पानी नहीं आ रहा और मजबूर हैं गंदा पानी पीने के लिए। किसान हो रखे गंदे नहर में से कपड़े बर्तन धो रहे गंदे नल उसके नल के पानी पी रहे और इतने परेशान उसमें रोड बीच रोड में खड्डा इतना हो रखा है किसी की गाड़ी गिर जाए कुछ हो जाए तो घर वाले जिम्मेदार कहीं के बाहर के सामने गाड़ी टकरा गई कोई बच्चा आ जाए इतना गहरा बिजली जा रखा नीचे से उस दिन से कोई नहीं देखने के लिए आ रहा कोई भी एक भी बंदा नहीं आया। मैं प्लम्बर क्या और क्या ये ठेकेदार जो है वहाँ उसमें सबको फ़ोन कर करके हमने बहुत परेशान हो गया। लाइट के मीटर तो ऐसे उड़ गए जैसे बम और लाइट ऐसे फूट गई ऊपर से छत में से निकल गई कोई नहीं आ रहा देखने के लिए के बिल बिजली के बिल दुनिया भर के बिल पहुँचाते रहे देखने के लिए कोई जाता कोई नुकसान हो जाता एक बार भी नहीं देखने आता कोई भी यहीं से बनेगा कहाँ से लाएंगे और बताओ। और ये पानी तो बिल्कुल भी नहीं है मैं खुद कंप्लेन करके आई उन्होंने बोला कि आज ही ठीक करा देंगे नल और कल भी फोन किया आज भी उनके ऑफिस गए थे कुछ नहीं किया उन्होंने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।